पूसावादा विर्मनि सिखापदं स्मादयामि पिछले 400-500 साल के बाद अचानक से डॉक्टर अंबेडकर ने ज्ञान के फाटक खोल दिए तो बाढ़ आ गई। बाढ़ आई तो जो सूखे मुरझाए हुए पेड़ थे वो भी हरे भरे हो गए और एक बहुत ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा वंचित रखा गया ज्ञान से, जानकारी से, नॉलेज से, वो लोग विद्वान हो गए। अच्छा हुआ विद्वान हो गए, मगर एक समस्या आ गई। समस्या ये आ गई कि अपनी विद्वता को दिखाएं कहां, उसका कहां प्रदर्शन करें। ये ठीक ऐसे है जैसे बाबा साहब अंबेडकर की दया दृष्टि से, कृपा से कुछ लोगों को सरकारी नौकरियां मिल गई, तनख्वाह आने लगी, तो जो पैसा आया तो उसको प्रदर्शन कहां करें, दिखाएं कहां। क्योंकि जो लोग 500-600 साल से और उससे पहले से भी लगातार कमा रहे हैं वो तो करोड़पति अरबपति हैं, और यहाँ ये हजारपति जो थे ये दिखाएं किसको। तो जो हजारपति है वो करोड़पति को, लखपति को तो दिखा नहीं सकता, इसलिए वो अपने ही रिश्तेदार, अपने ही जो गरीब भाई बहन जिनको पीछे छोड़ के आया, जिनके हिस्से की नौकरी लेके आया, उन्हीं को दिखाने लगा, वही प्रदर्शन करने लगा। शराब का, नई गाड़ी का, नए घर का, नए कपड़ों का, नए नए स्टाइल का, घूमने का, फिरने का, फोटो लगाने का, सारे प्रदर्शन वो उनको करता है, ऊपर नहीं करता जो इससे ऊपर है। ठीक ऐसे ही विद्वता की, नॉलेज की, जानकारी की आ गई कि पढ़ा लिखा है तो फिर उसका लोहा भी मानना चाहिए लोगों को कि वो जानकार है, वो ज्ञानी है, वो बहुत बड़ा विद्वान है। और विद्वान को जब तक चार लोग ये ना कहें कि तू विद्वान है, काय की विद्वता, बेकार ही पढ़ा, बेकार लिखा, इतने दिन बाद तो बाबा साहब की कृपा से दो अक्षर जाना है, और उसे भी अगर घमंड और गुरूर से किसी को नहीं बता पाया, नहीं दिखा पाया, तो क्या करे, तो किसके दिखाए। जिन टीचर से पढ़ के आया है, जिन का स्टूडेंट है, जो उसके अध्यापक हैं, जो उसके मास्टर हैं, और जो जानकारी को, ज्ञान को, एजुकेशन को अपने हाथ में बहुत पहले से रखते आ रहे हैं, उनको कैसे दिखाए। वो तो सब जानते हैं क्लास में क्या करता था, क्या नहीं करता था, और जो कई सौ साल से जानकार हैं, एजुकेशन को ले रहे हैं, उनकी एजुकेशन तो ज्यादा है, यहां तो अभी शुरू ही है, तो उनको तो दिखा सकता नहीं, तो किसको दिखाए। तो दिखाने के लिए वही जो अपने बहन भाई हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, या जो नहीं पढ़ पाए, या जिनका हिस्सा लेके वो पढ़ गया, जिनका हिस्सा लेके विद्वान बन गया, उन्हीं को दिखाएगा, उन्हीं पर अपनी जानकारी पूरी की पूरी ध्वज जमाएगा कि मैं जानकार हूं, मैं विद्वान हूं, और मेरे को मानो। इसका उदाहरण इससे आगे उन पे धौंस नहीं चलती तो आजकल डिजिटल मीडिया है। डिजिटल मीडिया पे आएगा, व्हाट्सएप पे आएगा, फेसबुक पे आएगा, चैट करेगा, तो नई नई बातें कहेगा, अपनी मनवाएगा, आपकी बात का रेफरेंस मांगेगा, संदर्भ मांगेगा, आपकी बात को मानेगा नहीं, लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा, दुनिया भर की बातें करेगा, और नहीं तो उसमें गंध फैलाएगा। यानी कि वो हर हाथ में चाहता है कि आप उसको विद्वान माने। कहीं मीटिंग में जाएगा तो अड़ जाएगा कि मैं ही लेक्चर दूंगा, मैं ही बोलूंगा, मेरी बात ही सुनो, मैं ही ठीक कहता हूं। ऐसे कई विद्वान मैंने देखे हैं और सुने हैं, बहुत सारे हैं जिनका विचारों की यही समस्या रहती है कि उन्हें कोई किसी तरह से विद्वान मान ले और उनको जानकार, ज्ञानी जी एक बार बोल दे। मगर ऐसे जो ज्ञानी हैं वो जब किसी ऐसे ग्रुप में जाते हैं जहां पे उनके नीचे के लोग नहीं होते, जो अनपढ़ वगैरह हैं, उनसे ज्यादा जानकारी के होते हैं, जैसी मान्यता है, चाहे वो बेसिक जानकारी उनको ज्यादा हो या ना हो, मगर उनको दंभ है, इस बात का गुरूर है कि तुम लोगों को जानकारी अभी आई है तो मैं नहीं आती, हमें आती है, तो वहां वो फाइट नहीं कर पाता, वहां वो बोल नहीं पाता, वहां कोई संदर्भ नहीं मांगता, वहां कोई रेफरेंस नहीं मांगता। किसानों का मसला चल रहा है तो एक पोस्ट ऐसे ग्रुप में जो किसानों के एंटी कहें या ये कहें कि अपने आप को विद्वान मानते हैं, वो साधारण लोग हैं, जनरल बोलते हैं साधारण को इंग्लिश में, साधारण लोग हैं, तो साधारण लोगों के ग्रुप में वो पोस्ट चली गई। उस पोस्ट पे ट्रेंड होने लगा, तो वो ट्रेंड लोग हैं, जानकार लोग हैं, अच्छी तरह से उनको प्रशिक्षण दिया हुआ है कि कैसे किस पोस्ट को खराब करना है, कैसे उसको डिमोलाइज करना है, कैसे डिमाइज करना है, कैसे उसको खत्म करना है, कैसे उसको भगाना है।
तो लग गए सब उल्टी सीधी जानकारी देने में किसानों के विरुद्ध में, और जिसने वो पोस्ट डाली थी अनंत उसको पोस्ट को छोड़ के भागना पड़ा। ये ठीक ऐसे है जैसे शेर का शिकार मिलके चार पांच कुत्ते उसको घेर लेते हैं और वो काउं काउं करते रहते हैं, कर तो उसका कुछ नहीं पाते, अनंत शेर परेशान होकर चला जाता है। ऐसे ही तो मेरा जो यहां कहने का है कि अगर आप विद्वान हैं तो आपको नीचे के लोगों से फाइट नहीं करनी चाहिए, नीचे के लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, उनको सिखाना चाहिए, उनको पढ़ाना चाहिए। अगर आप विद्वान हैं तो जो और लोग हैं, कंपटीशन आपका वहां है, जो जनरल के साधारण लोग हैं उनसे, जो सामान्य लोग हैं उनसे लड़ो। ये जो असामान्य लोग हैं इनसे क्यों लड़ रहे हो, इनसे अपनी विद्वता क्यों दिखा रहे हो, इनसे क्यों रेफरेंस मांग रहे हो, ये कहां से लाएंगे, ये कैसे आपका मुकाबला करेंगे। आपने 12 क्लास पढ़ी है, वो 4 क्लास नहीं पढ़ पाया, जो 16 क्लास वाला है, जो 18 क्लास वाला है, आपको उससे लड़ना चाहिए, वहां जाके फाइट करनी चाहिए, वहां से जीत के आना चाहिए, तब समाज भी कहेगा आप विद्वान हैं, क्योंकि आप जो साधारण लोग हैं, जो जनरल लोग हैं उनको भी पीट सकते हैं अपनी विद्वता से, फिर समाज आपको पगड़ी पहनाएगा। तो जितने भी विद्वान हैं वो इस बात को सुने और ध्यान दें कि अपनी सभा, अपने कार्यक्रम, अपनी चैट, अपना ही कोई कार्यक्रम है उसको ना काटें, उसका ना कहीं विरोध करें, उसको सहयोग करें, कोई कम जानता है तो वहां उसको सिखाएं, और जहां आपको लड़ना है वहां सीखें। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि ग्रुप अगर साधारण लोग का होता है और वहां असाधारण लोग अगर कोई आता है, आउटस्टैंडिंग कोई व्यक्ति आता है, यानी SC ST OBC जो आउटस्टैंडिंग है, तो वो वहां उनका मुकाबला नहीं करता और उनकी हाँ 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 करता रहता है, चाहे एग्री हो या ना हो। इसलिए जितने भी लोग हैं अपनी विद्वता दिखाने के लिए उनको ठीक उसी तरह से आना चाहिए। एक कहानी सुनाता हूं आपको, कहानी बड़ी मजेदार है। कहानी इसलिए मजेदार है क्योंकि एक दुकानदार भी जानता है कि उसको क्या करना है अपने उद्देश्य में और वो कितना बड़ा विद्वान है। हमारे पड़ोस में एक लाला की दुकान थी, तो लाला की दुकान में उसका जो बेटा था वो भी काम करता था, लाला ने उसको पढ़ाई छुड़वा के वहीं काम पे लगा दिया अपनी दुकान पे। उस जमाने में मैनुअल स्कैवेंजिंग थी, यानी हाथ से आदमी की टट्टियां उठाया करते थे लोग, आज भी कहीं ना कहीं उठाते हैं, बंद नहीं हुआ है। तो लाला के घर में सारे लोग हकते थे, टट्टी करते थे, और हमारे ही कोई माता बहन वहां जाके उस टट्टी को उठा के लाती थी मात्र 2 रुपए महीने में। तो वो पैसा लेने के लिए दुकान पे आई, हमारी दुकान बराबर में थी, हम सुन रहे थे, तो आके खड़ी हो गई। बहुत देर तक तो वो खड़ी रही, उसको पैसे नहीं दिए। थोड़ी देर बाद जब वो उसने पैसे मांगे तो उसको पैसे दिए, तो लाला के लड़के ने उसको 2.5 रुपया दे दिया। उसने कहा पैसे बढ़ा दो, तो उसने 2.5 रुपया दे दिया। 2.5 रुपये लेके वो चली गई, तो लाला ने लड़के को बहुत डांटा, तेने उसको अठन्नी फालतू क्यों दी। उसने कहा वो हमारी टट्टियां उठाती है, अठन्नी में हमारा क्या जा रहा है, तो इसलिए मैंने उसको दे दिया, उसने ज्यादा मांगे। लाला कहता है कि हम 100 रुपये कुएं में फेंक सकते हैं रोज, हमारी इतनी औकात है, मगर हम इसको अठन्नी फालतू नहीं देंगे, क्योंकि अगर इसको अठन्नी फालतू देंगे तो इसका पेट भर जाएगा और ये रोटियां खाने लगेगी पेट भर के, फिर ये हमारा काम नहीं करेगी, तो हमारी टट्टी कौन उठाएगा, क्या तू अपनी टट्टी उठा सकता है। लड़के को फौरन बात समझ में आ गई, उसने कहा मैं तो अपनी टट्टी जिंदगी में अपने हाथ से नहीं उठा सकता, उठाएगी तो यही, इसलिए इसको भरपेट खाना मत देना, इसको पैसा कम ही देना, ये ना पढ़े ना लिखे तो तेरी टट्टी उठाएगी, अगर ये पढ़ गई लिख गई इसका पेट भर गया तो तुझे अपनी टट्टी खुद उठानी पड़ेगी। मैं भी वहां सुन रहा था क्योंकि हमारी दुकान पास पास थी, मैंने देखा कि इतना बड़ा ज्ञानी वो व्यक्ति है और उसने कितने सहज तरीके से अपने लड़के को वो सारा विद्वत्ता सारा ज्ञान दे दिया। आप भी ऐसा ही ज्ञान अपने लोगों को दो जिससे कि वो लोगों की टट्टियां उठाना बंद करें, उनकी जूते बनाना बंद करें, उनकी सफाइयां करना बंद करें, उनके रिक्शे चलाना बंद करें और अपने काम करना शुरू करें जिससे कि एक स्वाभिमान की जिंदगी जी सके, तब आप सही मायने में विद्वान कहलाए जा सकते हैं। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपीराइट फ्री है, आप अपने पोर्टल पर
अपने YouTube पर, अपने Facebook पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहाँ से डाउनलोड कर टीम 22 से या Facebook से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना सभी देने में, यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Single.